हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अभी इस टॉपिक को सीखने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करनी होगी। तो देखिए, इस तरह से आपको नोटबुक में आपके पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल बन गई है। इस लाइन को मैं L कहूँगा, M कहूँगा, और ये ट्रांसवर्सल P। फिर आपको क्या करना है, ये जो एंगल्स बने इनको नाम देना है, इस तरह से एंगल ए बी सी और डी, और इसे ई एफ जी और एच। अभी ये जो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल है, ये मिलके तीन टाइप्स के एंगल बनाते हैं। हमने ये स्टडी किया है पहले। पहला कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा कौन सा है, इंटीरियर एंगल्स, और तीसरा कौन सा है, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स स्टडी करनी है। तो पहले हम कौन सा एंगल लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम पहले यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल्स का स्टडी करेंगे। इस तरह से पैरेलल लाइंस आपको बना लेनी। फिर पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का स्टडी करेंगे। तो अभी स्टडी करने से पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स नोट डाउन करेंगे। अभी पहला पेयर कौन सा है, एंगल ए, और एंगल कौन सा है, एंगल ई। ये हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल का पहला पेयर। करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन क्या है, ये जो आर्म होता है वो आर्म सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होने चाहिए। तो ये एंगल ए और एंगल ई, ये क्या है, इनका आर्म सेम डायरेक्शन में और ये ट्रांसवर्स है, वो ट्रांसवर्स के सेम डायरेक्शन में। तो ये पहला पेयर हुआ एंगल ए और एंगल ई। दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल बी और एंगल एफ। ये दो एंगल के हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमें तीसरा पेयर लिखना है। तीसरा पेयर कौन सा है, एंगल सी और एंगल जी, एंगल जी, इससे हम इस तरह से जी लिखेंगे। फिर चौथा पेयर कौन सा है, एंगल डी और एंगल एच। ये क्या हुआ, फोर्थ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी आपको क्या करना है, आपने ये जो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी है, तो आपको करना क्या है, आपको इस एंगल का मेजरमेंट लेना है, एंगल ए बी सी डी और एंगल ई एफ जी एच, इनका मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट लेने के बाद आपको क्या पता चलेगा, कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ई। इस एंगल को आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे और इस एंगल को भी प्रोटेक्टर से मेजर करोगे, तो आपको क्या समझ में आएगा कि
इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट, ये मेजरमेंट दोनों सेम है, ठीक उसी प्रकार मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एफ। अगर आप ये एंगल बी मेजर करोगे यूजिंग प्रोटेक्टर, तो हमें ये पता चलेगा कि एंगल बी और एंगल एफ इन दोनों का मेजरमेंट भी सेम है। फिर हम एंगल सी को मेजर करेंगे, ये जो एंगल सी उसे हम मेजर करेंगे, फिर हम एंगल जी को भी मेजर करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा एंगल सी और एंगल जी इनका मेजरमेंट भी सेम है, मेजरमेंट ऑफ एंगल जी। फिर हम एंगल डी और एंगल एच इन दोनों को मेजर करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा एंगल डी और एंगल एच इनका मेजरमेंट भी सेम है। तो अभी देखिए, आपने एक कंसेप्ट पढ़ी होगी कॉन्ग्रुएंट, तो अगर दोनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल ए विल बी कॉन्ग्रुएंट इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है एंगल बी एंड एंगल एफ ये क्या है इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल जी, ये एंगल सी और एंगल जी ये क्या है इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ एंगल सी और एंगल जी क्या है कॉन्ग्रुएंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल डी और मेजरमेंट ऑफ एंगल एच दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ एंगल डी और एंगल एच ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उनमें एक ट्रांसवर्सल होती है तो क्या होता है ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये जो बनाती है वो क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी, क्या ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय parallel lines and transversal is congruent. इस तरह से हमें पहली प्रॉपर्टी को कंक्लूड किया है कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है देखिए दे आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्स। इंटीरियर angles इंटीरियर एंगल्स को स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है प्रोटेक्टर लेना है और एंगल ए और एंगल डी को मेजर करना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए लेना है और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी लेना है, ये एंगल ए और एंगल डी, और उनका एडिशन करना है, तो उनका एडिशन कितना आएगा 180 डिग्री।
बट अभी देखिए, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स का स्टडी किया है तो उसमें हमें ये पता चला कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ई. वहाँ पर हमने मेजर किया था इन दो एंगल्स को, तब हमें ये कंक्लूजन में आया था. क्यों? अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल ई ऐसा क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए, ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. तो अभी हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई. ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए उसे हमने रिप्लेस कर लिया, तो इन दोनों का एडिशन कितना है? 180. तो अभी देखिए, यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स के पेयर कौन से? इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं और उनका जो आर्म ऑफ डायरेक्शन है वो अपोजिट रहता है. तो यहाँ पर ऐसे एंगल्स कौन से? एंगल डी और एंगल ई, फिर एंगल सी एंड एंगल एफ. तो ये हुए इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है? कि ये इंटीरियर एंगल्स लाई ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड दे लाई बिटवीन टू लाइंस. मतलब अभी यहाँ पर जो टू लाइंस है और ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के वन साइड में और लाइंस के बीच में ऐसे कौन से दो एंगल्स है? एंगल डी एंड एंगल ई. दूसरा कौन सा पेयर? एंगल सी एंड एंगल एफ. ये दोनों पेयर से किसके? इंटीरियर एंगल्स के. तो अभी यहाँ पर हमें ये पता चला है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई कितना है? 180 डिग्री. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. तो हमें क्या पता चला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ये कितना होता है? 180 डिग्री. तो दोबारा एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, हमें क्या स्टडी करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स. अभी इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि लाई करते हैं इन बिटवीन टू लाइंस एंड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो ये साइड या तो ये साइड. इन बिटवीन दीज टू लाइंस, ये दो लाइंस हमने ड्रॉ करी है, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी है, तो उसे हम स्टडी कर रहे हैं. तो अभी देखिए, यहाँ पर क्या करना है इंटीरियर एंगल्स को स्टडी करने के लिए? कि ये दो एंगल्स लेने हैं और उनका एडिशन करना है. तो आप पहले क्या करेंगे? एंगल ए का मेजरमेंट करेंगे, फिर एंगल डी का मेजरमेंट करेंगे, फिर उनकी एडिशन करेंगे. तो उनकी एडिशन कितना आएगा? 180 डिग्री. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों सप्लीमेंट्री पेयर्स. फिर उसके बाद
हमें क्या पता है कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, इनकी जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल ई की मेजरमेंट करेंगे जो कि इक्वल है, वो हमें पता है। फिर क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई वो क्या है, 180 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इंटीरियर एंगल्स है वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करते हैं। सप्लीमेंट्री पेयर मतलब उनका जो इंटीरियर एंगल्स का जो एडिशन है वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये हुई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल फॉर्म सप्लीमेंट्री पेयर्स। तो इस तरह से ये जो इंटीरियर एंगल्स है ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करते हैं। तो आपको बस वेरीफाई करना है कि ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी है और मेजरमेंट ऑफ एंगल ई है, आपको मेजर करना है और उनका एडिशन करना है। तो आपको उनका एडिशन कितना आएगा, 180 डिग्री, यह आपको कन्फर्म करना है बाय ड्राइंग दिस। तो फिर हमें ये प्रॉपर्टी मिली है ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। नाउ वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तीसरा क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। नाउ वी विल लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अभी अल्टरनेट एंगल्स की डेफिनेशन क्या है, वो ऐसे एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स, जिसका डायरेक्शन ऑफ आर्म ऑफ ट्रांसवर्सल वो क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और जो लाई करते हैं अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्स। तो अल्टरनेट एंगल्स भी टू टाइप्स के होते हैं, जो इंटीरियर वाले होते हैं वो लाइंस के बीच में लाई करते हैं, और जो एक्सटीरियर वाले होते हैं वो लाइन के बाहर लाई करते हैं। अभी हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इनको हम नोट डाउन करेंगे। देखिए इस फिगर में हमसे, इस फिगर से हम इनको नोट डाउन करेंगे। पहला पेयर क्या हुआ इंटीरियर एंगल्स का, अल्टरनेट एंगल्स का, एंगल डी और एंगल एफ। तो आपको क्या करना है, एंगल डी को मेजर करना है और एंगल एफ, ये जो एंगल डी है और ये जो एंगल एफ है इसको आपको मेजर करना है। फिर उसके बाद ये जो एंगल सी है और एंगल ई है, ये क्या है, दूसरा पेयर है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का, तो उसको आपको मेजर करना है, मेजर ऑफ एंगल सी और मेजर ऑफ एंगल ई। तो इन दोनों को मेजर करना है, फिर इन दोनों को मेजर करना है। आपको ये पता चलेगा कि एंगल डी और एंगल एफ इनकी मेजरमेंट सेम है। फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल सी और मेजरमेंट ऑफ एंगल ई ये क्या है, सेम है। अब हम
एक्सटीरियर एंगल्स की ओर बढ़ेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो हम पहले एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर लिख लेंगे। तो पहला पेयर कौन सा है, एंगल ए और एंगल जी। इन इस एंगल ए और एंगल जी को मेजर करना है। फिर ये हुआ पहला पेयर। अब दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल बी और एंगल एच। ये हुआ दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इन दोनों एंगल्स को भी मेजर करना है। अभी मेजरमेंट के बाद आपको क्या पता चलेगा कि एंगल ए और एंगल जी इन दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से दोनों में इक्वल साइन लगा देंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एच करना है। तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों की मेजरमेंट सेम है। आपको ड्रॉ करना है ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, फिर ये सब वेरीफाई करना है। फिर आपको अच्छे से पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या है। अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स मेजर करने के बाद आपको चार ऑब्जर्वेशंस मिली है। ये पहले, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चार ऑब्जर्वेशंस आपको मिली है। अभी इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी, और लास्ट वाला क्या है, एंगल ए एंगल बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कब, जब ये दो लाइंस पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्सल होगी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको इसे लिख के बताता हूँ। देखिए हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या हुआ, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय कहाँ पर फॉर्म हुए अल्टरनेट एंगल्स, टू फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म आर, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड देर इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये था, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो अभी इन प्रॉपर्टीज को क्लब कर दे। अभी हमें इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन मिला है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल पास थ्रू इट, तो
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय इट वो क्या होंगे, कॉन्ग्रंट होंगे, और अल्टरनेट एंगल्स के जो पेयर से वो भी कॉन्ग्रंट होंगे, और जो इंटीरियर एंगल्स क्या क्या फॉर्म करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये चीज तीन चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, ये क्या हुई प्रॉपर्टीज। तो अभी मैं प्रॉपर्टी को लिखूंगा, देखिए क्या प्रॉपर्टी है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल पास थ्रू देम, देन पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन या पहली प्रॉपर्टी, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रंट। फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रंट। और जो लास्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म आर इंटीरियर एंगल्स फॉर्म आर इंटीरियर एंगल्स फॉर्म सप्लीमेंट्री पेयर। तो हमने इस वीडियो में एक एक्टिविटी की है, क्या एक्टिविटी की है कि ये दो लाइंस हमने पैरेलल ड्रॉ करी है, फिर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी है एट एन एंगल, फिर हमने क्या किया है इन एंगल्स को मेजर किया है, और फिर हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स को स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला है कि ये जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रंट होते हैं। वो कॉन्ग्रंट कब होते हैं, जब ये दो लाइंस पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल उनसे पास होती है। दूसरा कंक्लूजन हमें क्या मिला कि ये जो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर होते हैं जो फॉर्म होते हैं, कब फॉर्म होते हैं, जब ये दो लाइंस पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल होती है, तो वो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं अल्टरनेट एंगल्स वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रंट होते हैं। और उसके बाद जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सप्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का जब एडिशन लेंगे तो उन दोनों का एडिशन क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल का 180 डिग्री। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सप्लीमेंट्री पेयर। तो आशा करता हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल समझ में आया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए। तो गाइस ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल।
Now we will solve solved examples related to this topic. Now we will solve some examples based on properties of parallel lines and transversal. Now we will solve examples based on properties of angles formed by parallel lines and transversal. So this is one example. In adjacent figure, line AB is parallel to line PQ. Line AB is parallel to line PQ. Line LM is transversal. Line LM is transversal. Measurement of angle MNQ. MNQ is 70 degree. यह angle की measurement हमें 70 degree दी गई है. तो हमें properties of angles formed by parallel line and transversal इसे use करके हमें measurement of angle AON यह हमें find करना है. तो आप कैसे करोगे? Using properties of angles formed by parallel lines and transversal. तो देखिए solution. इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना है? डायग्राम को ऑब्जर्व करना है. डायग्राम में क्या दिया है? ये दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है. तो इससे जो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये जो एंगल्स हमें मिलने वाले उनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको याद करना है. अभी देखिए कॉन्ग्रंट एंगल्स इस टाइप की. अभी देखिए जब दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? वो कॉन्ग्रंट होते हैं. पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रंट होते हैं. पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रंट होते हैं. और जो हमारा इंटीरियर एंगल होता है, ये जो इंटीरियर एंगल का पेयर होता है ये वाला और ये वाला, या फिर ये वाला फिर ये वाला, ये जो इंटीरियर एंगल्स के पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. तो इन प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल कैसे हो सकता है वो हमें यहाँ पर देखना है. अभी देखिए हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला है? मेजर एंगल AON, ये जो एंगल AON है उसे हमें फाइंड आउट करना है. तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल AON है, ये एंगल इन बिटवीन द लाइन्स है. आप एक बार समझ रहे हो कि ये जो एंगल है ये इन बिटवीन द लाइन्स है. इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एंगल इंटीरियर एंगल हो सकता है. ये इंटीरियर एंगल्स भी, इंटीरियर एंगल, और ये एंगल क्या हो सकता है? देखिए ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकता है. कैसे? इसका करस्पॉन्डिंग पेयर कौन सा है? एंगल AON. इसका करस्पॉन्डिंग पेयर कौन सा है? एंगल PNM. तो अभी ये क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग पेयर, करस्पॉन्डिंग पेयर. तो अभी हम इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे. इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी है? ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल AON प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ONP इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्या है? यहाँ पर आप लिखिए आगे इस तरह से बैठे, पेयर ऑफ
ये क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अभी देखिए, ये थोड़ी देर भूल जाइए, अभी देखिए ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, लाइन एल एम और लाइन पी क्यू, ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही। तो एंगल एम एन क्यू एंड एंगल पी एन ओ, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है। देखिए बट मेजर एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू मेजर एंगल ओ एन पी, ये क्या हुए, अपोजिट एंगल एंगल्स। अभी अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी हमें पता है क्या, कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखिए ये 70 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 70 डिग्री। अगर आप चाहे तो इस तरह से दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कीजिए और ये जो ट्रांसवर्स है ये 70 डिग्री पर इस तरह से ड्रॉ कीजिए और आप इस एंगल को भी मेजर कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी ये कितना होगा, 70 डिग्री। तो अभी ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करनी है, ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एन पी, ओ एन पी का है मेजरमेंट कितना है, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू 180 माइनस 70। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विल बी इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हुआ इसका आंसर। अभी ये जो आंसर है हमने इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके ये एंगल हमने ऑब्टेन किया है। अभी हम करस्पॉन्डिंग पेयर मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज करके हम एंगल ए ओ एन की मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसके लिए वो मेथड ऑप्शन रहेगी, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इंटीरियर एंगल्स यूज करके इसका आंसर निकाला है, अभी मैं आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज करके इसका आंसर कैसे निकलते हैं वो बताता हूँ। तो अभी एंगल ए ओ एन और एंगल पी एन एम ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। इसे हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है और लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू एंड एल एम इज ट्रांसवर्स। तो हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं।
हमने ए ओ एन की वैल्यू इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज करके उसकी वैल्यू निकाली। अभी हम करस्पोंडिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज करके या एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अभी कैसा करना है, अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है क्यू एन एम और एंगल एम एन पी, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट दोनों को ऐड किया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, सप्लीमेंट्री पेयर्स, मतलब इन दोनों के एंगल्स का एडिशन 180 आएगा। तो अभी देखिए मेजर एंगल पी एन एम प्लस मेजर एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे रीजन का कहेंगे हम पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दोनों क्या बन गए, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम एंगल एम एन क्यू इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट मेजर एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री यहाँ पर इसे पुट करेंगे तो क्या आएगा, मेजर एंगल पी एन एम प्लस 70 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर मेजर एंगल पी एन एम इज इक्वल टू 180 माइनस 70। देयरफॉर मेजर एंगल पी एन एम इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 110 डिग्रीज, डिग्री 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 और ये डिग्री। तो मेजर एंगल पी एन एम ये क्या बन जाएगा, 110 डिग्रीज। अभी आप सोचेंगे कि मैंने पी एन एम इस एंगल की वैल्यू ही क्यों फाइंड की, तो देखिए ये जो हमारा एंगल है मेजर एंगल ए ओ एन, ये एंगल ए ओ एन ये क्या है, ये करस्पोंडिंग पेयर फॉर्म करता है किससे, पी एन एम से। तो इसलिए हमने पी एन एम की वैल्यू फाइंड आउट की। देखिए अभी हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या मिलता है, एंगल ए ओ एन इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एन एम, पी एन एम। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी देखिए लाइन ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल एंड एल एम इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें क्या मिला, एंगल ए ओ एन इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एन एम। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एन एम। देयरफॉर अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एम एन हमें यहाँ पर पता है, वो कितना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू
110 डिग्री। तो इस तरह से हमें एंगल ए ओ एन की वैल्यू मिली, कैसे, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल यूज करके एंगल की वैल्यू, अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स। तो देखिए ये सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 15 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 2x प्लस 15, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो हमें क्या दिया है, लाइन m और n ये क्या है, पैरेलल लाइंस, और लाइन l इज ट्रांसवर्सल, और मेजरमेंट ऑफ एंगल b दिया है, कितना है वो x प्लस 15, और ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल e है ये क्या दिया है, 2x प्लस 15, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल उसे हमें यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहली स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहली स्टेप आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखना है। ये जो प्रॉब्लम है और इसकी जो फिगर है उसे अच्छे से देखना है। देखिए उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल ई है, देखिए ये एंगल ई क्या है, एंगल ई इंटीरियर में लाइन एम और एन के, और ये इंटीरियर एंगल्स का पेयर फॉर्म करता है किसके साथ, एंगल डी के साथ, और डी क्या है, डी अपोजिट एंगल है किसका, अपोजिट एंगल टू एंगल बी। तो देखिए एंगल बी एंड एंगल डी ये क्या है, अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी क्या होगा, विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी क्या होगा, इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी विल बी इक्वल टू, ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है, एक्स प्लस 15 डिग्रीज। इन दोनों का यूनिट डिग्रीज, इन दोनों का यूनिट डिग्रीज। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी क्या हुआ, एक्स प्लस 15 डिग्रीज। अभी हमें एंगल डी की ही वैल्यू क्यों निकालनी, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एंगल ई और एंगल डी ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। क्यों क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस में पाए जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर डी की वैल्यू निकाल रहे हैं। बट एंगल डी एंड एंगल ई फॉर्म पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स,
विच आर सप्लीमेंट्री मेंट्री देयर फोर, ये क्या बन जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल डी है और मेजरमेंट ऑफ एंगल ई है, इनकी वैल्यूज है, तो हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी क्या है, x प्लस 15, और ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ई क्या है, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आगे सिर्फ आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए x प्लस 2x कितना है, 3x प्लस 15 प्लस 15 कितना, 30 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, ये 30 इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो कितना आएगा, वो 180 माइनस 30। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 150। देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 अपॉन 3। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3 1 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री। तो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ, तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स को यहाँ पर यूज किया है। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है, आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए इसे कैसे करना है। अभी देखिए हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज करके यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास मेजर एंगल ई है और मेजर एंगल बी है, तो यहाँ पर हमें एक बात पता चल रही है कि एंगल ई एंड एंगल एफ ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर फॉर्म कर रहे हैं। एंगल ई एंड एंगल एफ आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें क्या मिलेगा, मेजर एंगल ई प्लस मेजर एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने ई और एफ को ही क्यों लिया, देखिए ये एफ जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर फॉर्म कर रहे हैं, किससे, ये एंगल बी से, तो इसलिए हमने ई और एफ को कंसिडर किया। यहाँ से मेजर एंगल एफ को फाइंड आउट करना है, तो मेजर एंगल एफ, तो मेजर एंगल ई की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 15 प्लस मेजर एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल एफ कितना आएगा, 180 माइनस 15 165 माइनस 2x, ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल F। बट
एंगल बी एंड एंगल एफ आर पेयर ऑफ corresponding angles. ये क्या फॉर्म हो रहे हैं एंगल बी और एंगल एफ, ये क्या फॉर्म हो रहे हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ देयरफॉर एंगल B is equal and congruent to angle F. Therefore, measurement of angle B will be equal to measurement of angle F. Measurement of angle B क्या है? X plus 15. और measurement of angle F क्या है? 165 minus 2x. 165 minus 2x. तो अभी इसे सॉल्व करना है. ये माइनस टू एक्स है, इधर आके प्लस टू एक्स बन जाएगा. ये जो 165 है ये प्लस 15 और जाके माइनस 15 हो जाएगा. ये 3x, ये 150. देयरफॉर x is equal to 150 upon 3. Therefore, x is equal to 3 1 the 3, 3 5 the 15. X is equal to 50. तो ये हुई value of x using properties of corresponding angles. तो आशा करता हूँ आपको ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए. कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइए. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.